हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमार गौरव फ्रॉम JPIT नालंदा। आज मैं आप लोग को थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग का हम लोग आज अब देखेंगे यूनिट टू, फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टॉपिक कवर करेंगे 2.1 एंड 2.2। तो इसमें फर्स्ट है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस पढ़ने से पहले हम सब्सटेंस के बारे में समझेंगे। सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस तो सब्सटेंस क्या होता है, जिसका कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। ये सब्सटेंस डेट है जो फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट। वैसा सब्सटेंस जिसमें जो उसका केमिकल कंपोजिशन है वो फिक्स्ड है थ्रू आउट, शुरू से लेकर लास्ट तक। मतलब फिक्स्ड मतलब सेम हो गया, मतलब होमोजीनियस कंपोजिशन उसमें हो। जैसे हम एग्जांपल लिए हैं नाइट्रोजन और गैसियस एयर का, आपस में दोनों क्या है? प्योर सब्सटेंस है। क्योंकि गैसियस एयर में नाइट्रोजन का जो वैल्यू है वो एक फिक्स्ड है थ्रू आउट, सेम है। तो इस तरह से क्या हो गया, नाइट्रोजन और गैसियस एयर आपस में प्योर सब्सटेंस है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लिए हैं लिक्विड और गैसियस वाटर का। अगर लिक्विड एंड गैसियस वाटर का हम एग्जाम्पल लिए हैं तो दोनों का जो कंपोजिशन थ्रू आउट है सेम है, इसलिए ये दोनों क्या है आपस में? प्योर सब्सटेंस है। नेक्स्ट हम लिए हैं मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड गैसियस एयर। अगर लिक्विड की हम बात करते हैं तो लिक्विड और एयर या सॉलिड आपस में कभी प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, क्योंकि दोनों का कंपोजिशन पूरी तरह से आपस में मैच नहीं करता है, मिक्स नहीं होता है, जिसके कारण ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। तो प्योर सब्सटेंस में याद क्या रखना है कि वैसा सब्सटेंस जिसका केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट सेम हो, फिक्स्ड हो, होमोजीनियस हो, उसे हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। सेकंड है सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री और यूनिवर्स। तो हम लोग स्टडी करेंगे सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है और यूनिवर्स क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि सिस्टम क्या है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं, जहाँ पे आप जिस कमरा में भी आप पढ़ रहे हैं, तो जो आप आपका रूम है वो रूम के अंदर जहाँ पे आप हैं उसको हम सिस्टम बोलेंगे, और चारों तरफ से आपको दीवार लगा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? बाउंड्री। जो दीवार से आप घिरे हुए हैं उसको हम बाउंड्री बोलेंगे, और बाउंड्री के बाहर, दीवार के बाहर जो भी चीज़ है उसको हम क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या है? एनी थिंग विच आर केप्ट इन कंसिडरेशन इज कॉल्ड सिस्टम। जिसमें हम किसी चीज़ को रखते हैं, कंसिडर्ड करते हैं, उसको हम सिस्टम बोलते हैं। सराउंडिंग एवरी थिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, सिस्टम की बाहरी भाग को हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है बाउंड्री। द थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड सराउंडिंग आर सेपरेटेड बाई एंड इनवेलप कॉल्ड बाउंड्री ऑफ ए सिस्टम। जो सराउंडिंग और सिस्टम एक बाल के थ्रू सेपरेट होता है उसको हम बाउंड्री बोलते हैं, इनवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग को मिलाकर हम लोग इनवर्स बोलते हैं। अगर दोनों का हम समअप करें, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो हमें इनवर्स मिलता है। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम बेसिकली तीन टाइप्स का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्या है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, तीन ग्लास है, तीन ग्लास में हम वाटर रखे हुए हैं, फर्स्ट में ओपन है, सेकेंड क्लोज है, थर्ड आइसोलेटेड है। ओपन में क्या है, उसका जो कैप है खुला हुआ है, क्लोज में क्या है, ऊपर से कैप लगा हुआ है, और आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड में क्या है कि थर्मो फ्लक्स के थ्रू उसको सेपरेट किया हुआ है, कैप भी लगा हुआ है। तो हम देखते हैं क्या होता है ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में क्या है कि उसका जो मैटर है और एनर्जी, मैटर बोले तो उसका मास, जो उस ग्लास की मास है उसमें दोनों एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ, इन्वॉल्वमेंट के साथ। तो ओपन सिस्टम में क्या हम देख रहे हैं, बोथ मैटर एंड एनर्जी ट्रांसफर एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट, दोनों के साथ, एनवायरनमेंट के साथ ये दोनों का एक्सचेंज करेगा, मास का भी और एनर्जी का भी। क्लोज सिस्टम में क्या है, ये एनर्जी का ट्रांसफर करेगा लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं करेगा, क्योंकि एक कैप लगा हुआ है, ऊपर से ढक्कन ढका हुआ है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा है लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं करता है। नेक्स्ट है आइसोलेटेड सिस्टम, ये ना तो मास का ट्रांसफर करेगा ना तो एनर्जी का ट्रांसफर करेगा, उसे बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे एग्जांपल में आइसोलेटेड का ले सकते हैं, जो थर्मोफ्लक्स का आप ग्लास देख रहे हैं,
पानी पीने का, वो आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड का मतलब हो गया कि वो फिक्स्ड है, अगर हम उसमें गर्म पानी रखेंगे तो गर्म ही रहेगा, ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा। हाँ, कब उसका टेम्परेचर डाउन होगा या इंक्रीज करेगा आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय के लिए वो सेम उसी कंडीशन में रहेगा जिस कंडीशन में उसको हम रखे हैं। तो हमें याद रखना है इससे कि ओपन सिस्टम में सिर्फ ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है, क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर नहीं होता है। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम इज ए मेजरेबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम दैट हैज इक्विलिब्रियम। प्रॉपर्टीज में भी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज है वो दो टाइप्स का होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इंटेंसिव, अब इसको याद रखना है, इन शुरू में इन आ गया और इन का मतलब हो गया, इंटेंसिव का मतलब आपको ध्यान रखना है इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट इन से इंटेंसिव, इन से इंडिपेंडेंट, आपको क्या याद रखना है इंडिपेंडेंट ऑफ मास। वैसा सब्सटेंस जो मास पे डिपेंड नहीं करता है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, उसे हम इंटेंसिव बोलते हैं। एग्जाम्पल में टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी। सेकेंड है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, वैसा सब्सटेंस जो डायरेक्टली मास पे डिपेंड है, जो मास पे डिपेंड है उसे हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो मास पे डिपेंड एग्जाम्पल में देख लेते हैं, मास है, वॉल्यूम है, एनर्जी है, एन्थैल्पी है। तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे एक हम बीकर लिए, बीकर में पानी, गर्म पानी है, तो उसका मास एम है, वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर टी है, प्रेशर पी है और डेंसिटी रो है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम इसमें पार्टीशन करें 20 से, तो पार्टीशन करने के बाद अगर हम किसी भी चीज़ को हम दो बराबर भाग में बांटेंगे तो उसका मास आधा हो जाएगा, वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। तो मास और वॉल्यूम आधा हो गया, इसका मतलब डायरेक्टली ये मास पे डिपेंड किया। तो जब मास पे डिपेंड किया है तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गया, क्योंकि मास के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है। तो मास एंड वेलो और वॉल्यूम बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी दीज आर नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन मास, ये तीनों डायरेक्टली मास पे डिपेंड नहीं है, इसलिए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। क्योंकि अगर हम एक बीकर का एग्जांपल लिए, एक बीकर में गर्म पानी है, अगर अब उस गर्म पानी को अगर हम आधा आधा बांटे भी तो टेम्परेचर तो सेम रहेगा और प्रेशर भी हम मेजर करेंगे तो प्रेशर भी सेम रहेगा, और वैसे और डेंसिटी की जहाँ तक की बात है तो डेंसिटी तो 1000 हमेशा होता है, एक गिलास पानी ले चाहे 10 गिलास पानी ले, सबका डेंसिटी बराबर ही होता है। तो टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी ये आपस में मास पर डिपेंड नहीं है, इसलिए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हुआ। हमको याद करने का तरीका है इंटेंसिव का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास, आई एन इंटेंसिव में, आई एन इंडिपेंडेंट में। तो याद रखना है इंडिपेंडेंट ऑफ मास को इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं जो मास पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट है पॉइंट फंक्शन। तो पॉइंट फंक्शन क्या होता है, वैसा फंक्शन, पॉइंट फंक्शन का हम लोग का दूसरा नाम है स्टेट फंक्शन। ए फंक्शन also known as a state function is a function whose value depends on the final and initial state of thermodynamics process irrespective of path followed by process. जो point function होता है, जो इसका value final और initial state पे depend करता है, उसे हम बोलते हैं point function. जो point function होता है exact होता है और perfect differential होता है, बहुत important है, point function exact और perfect differential होता है। जितने भी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज हैं सभी पॉइंट फंक्शन के अंदर आते हैं। एग्जांपल्स में प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, थर्मल कंडक्टिविटी एक्सेट्रा, जितने भी पॉइंट हम लोग को प्रॉपर्टीज पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स में, ऑल आर कंसीडर्ड अंडर पॉइंट फंक्शन। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको चार तरह का दे देगा प्रॉपर्टीज सब्सटेंस, वो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइंट फंक्शन, तो आपको इसमें बताना है, याद रखना है कौन कौन सा पॉइंट फंक्शन है। नेक्स्ट है पाथ फंक्शन। ए पाथ फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड बाय थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। जो पाथ फंक्शन होता है, पाथ जो फॉलो करता है उस पर डिपेंड करता है। पाथ फंक्शन जो होता है इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन उसमें जो काम किया हो
उसका शुरू से लेकर लास्ट तक उप सब पे डिपेंड करता है। पाथ फंक्शन इज नॉट एग्जैक्ट एंड फॉर इम्परफेक्ट डिफरेंशियल। जो पाथ फंक्शन होता है एग्जैक्ट नहीं होता है ना इम्परफेक्ट डिफरेंशियल होता है। जैसे वर्क एंड हीट, काइनेटिक एनर्जी, दीज आर कंसिडर्ड अंडर पाथ फंक्शन। आपको इसमें बेसिकली ये याद रखना है कि वर्क और हीट पाथ फंक्शन होता है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर पाथ फंक्शन, आपको चार ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आपको बताना है कौन सा इसमें पाथ फंक्शन है, कौन सा आपको पाथ फंक्शन नहीं है। तो आपको इसमें इस स्लाइड के माध्यम से आपको याद रखना है कि पाथ फंक्शन, वर्क और हीट बोथ आर पाथ फंक्शन, जो आपका फाइनल और इनिशियल स्टेज पे डिपेंड नहीं करता है उसे हम पाथ फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है हीट एंड वर्क। हीट क्या होता है और वर्क क्या होता है? तो हीट एंड वर्क आर टू डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। जो हीट और वर्क होता है दो तरीका है अलग अलग टाइप्स के, जो एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक सिस्टम से अगले सिस्टम में, दूसरे सिस्टम में। तो हीट इज द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। जो हीट होता है थर्मल एनर्जी को ट्रांसफर करता है बिटवीन द सिस्टम्स, दो सिस्टम के बीच में अगर थर्मल एनर्जी को ट्रांसफर करता है उसे हम हीट बोलते हैं। बेसिकली थर्मल एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ हीट। हम लोग जो थर्मल एनर्जी पढ़ रहे हैं वो हीट के बारे में ही हम लोग को स्टडी करना है। व्हाइल वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन टू सिस्टम्स। जो वर्क होता है हम लोग जो मैकेनिकल एनर्जी जो हम लोग वर्क डन करते हैं, वर्क हो गया तो उसे हम वर्क बोलते हैं। किसको? जो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग प्रोवाइड होता है दो सिस्टम के बीच में, जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, दिस आर कंसीडर्ड अंडर वर्क। हम लोग वर्क कर रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं वर्क। नेक्स्ट है साइन कन्वेक्शन के बारे में पढ़ना। जब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो साइन कन्वेक्शन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, कि पॉजिटिव कहाँ होगा, निगेटिव कहाँ होगा। अगर हम हीट, अगर हम इनपुट दे रहे हैं सिस्टम को, ध्यान देना, अगर हम सिस्टम में हीट इनपुट दे रहे हैं, हीट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब कि हीट हम दे रहे हैं उसमें, तो उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। हम सिस्टम में वहाँ पे हम प्लस साइन लेंगे न्यूमेरिकल को सोल्व। ये जो स्लाइड्स है, स्लाइड्स के माध्यम से आपको बस बेसिकली यही समझना है कि हम न्यूमेरिकल बनाने समय प्लस कहाँ लेंगे, माइनस कहाँ लेंगे। तो हीट का साइन कन्वेंशन देखते हैं। जब हीट को हम इनपुट करते हैं तो वहाँ पे हम प्लस लेते हैं, और हीट अगर हम सिस्टम से आउटपुट कर रहे हैं, फ्रॉम द सिस्टम हीट इज आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम, उस केस में हम माइनस लेते हैं। इसी तरह वर्क का साइन कन्वेंशन है, अगर हम वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हैं, अगर हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हम प्लस का साइन लेंगे, और अगर सिस्टम के द्वारा हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे माइनस साइन लेंगे। तो इसमें याद रखना है कि माइनस कहाँ पे साइन लेना है, प्लस कहाँ पे साइन लेना है, ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। इस तीन एनर्जी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे लास्ट थ्री स्लाइड्स में। तो मैकेनिकल वर्क, जहाँ पे मैकेनिकल वर्क करेंगे वहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स वर्क हो रहा है और हीट हो रहा है वहाँ पे हम इंटरनल एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन रिलेटिव टू सम अदर ऑब्जेक्ट। एक पोजिशन ही मेजर करता है विथ रिस्पेक्ट टू अदर पोजिशन। अगर हम एक पोजिशन पे हम खड़ा हैं, एक आदमी ऊपर से आ रहा है, तो उसको ऊपर से नीचे आने में उसका कितना एनर्जी लगा, कंपेयर करेगा विथ रिस्पेक्ट टू अदर पोजिशन, उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की, पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है एम जी एच, एम फॉर मास, जी फॉर ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एच फॉर हाइट। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज एन एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। जब हम मोशन की बात जहाँ पे हम करेंगे, जहाँ पे कोई गाड़ी चल रही है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, तो उसे वहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्राप्त होती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मास पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर।
नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी होता है क्या है? तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है उसे हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिया एक सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर में क्या पिस्टन है और अंदर में फ्लूड भरा हुआ है, तो जो इंटरनल एनर्जी इस सिस्टम का होगा, जिस इसके अंदर में जितने टाइप्स का पार्टिकल मॉलिक्यूल्स के थ्रू एनर्जी प्राप्त होगा है इंटरनल में, उसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो उस मॉलिक्यूल्स का जो भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम है उसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो इस स्लाइड्स के माध्यम से आपको एक फार्मूला है, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू यू क्या है? यू डिनोट कर रहा है आपको इंटरनल एनर्जी का डेल्टा लगा हुआ, मतलब कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यू क्यू फॉर हीट एंड डब्ल्यू फॉर वर्क। तो हीट प्लस वर्क को हम अगर मिला दें तो हमको इंटरनल एनर्जी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है फ्लो वर्क। तो फ्लो वर्क क्या होता है? एक यहाँ पे हम क्या लिए हैं, एक सिलेंडर लिए हैं जिसमें एक पिस्टन लगा हुआ है और सिलेंडर में कंट्रोल वॉल्यूम है। वॉल्यूम इसका एकदम फिक्स्ड है, इसका वॉल्यूम प्रेशर एंड मास, इसमें तीन चीज हम स्टडी कर रहे हैं। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। अगर हम पिस्टन पर एफ फोर्स लगा रहे हैं तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अगर हम बर्डन की बात करें तो इसका हम जिस एरिया में हम फोर्स लगाएंगे, जहाँ तक लगाएंगे, उसका लेंथ क्या है? एल है। तो अगर हम बर्डन वाई फ्लो करेंगे तो फोर्स इंटू उसका एरिया लेंथ हो जाएगा। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एल, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एल। एफ का फॉर्मूला ऊपर से आया है पी इंटू ए, पी इंटू ए, एफ इज इक्वल टू पी इंटू, उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दिए हैं। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया? पी ए एल। अब ए एल इंटू क्या होता है? ए इंटू एल इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो गया? एरिया, एरिया इंटू लेंथ। तो W इज इक्वल टू क्या आ गया हमें? P इंटू V। तो फ्लो वर्क हो गया प्रेशर इंटू वॉल्यूम, इसे हम बोलते हैं फ्लो वर्क, जिसका यूनिट है किलो जूल पर केजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको याद क्या रखना है कि बर्गडन का फॉर्मूला इससे हमें ज्ञात हुआ कि बर्गडन बराबर होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम। नेक्स्ट है एंथैल्पी। एंथैल्पी एक प्रॉपर्टीज है थर्मोडायनेमिक्स का, इंथैल्पी जिसे हम इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। जो हमें इंटरनल एनर्जी प्राप्त होती है और वर्क डन का जो सम है उसे हम इंथैल्पी बोलते हैं। एच फॉर इंथैल्पी, ई इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पी भी जो है वर्क डन, जो हम पिछले स्लाइड से प्राप्त किए थे। तो हम और इससे पहले स्लाइड से मिला था हमें ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, जो लास्ट स्लाइड में हम इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट किए थे, यहाँ पे ई से डिनोट किए हैं। तो हम यहाँ से प्राप्त क्या होता है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी इंटू डेल्टा भी। डेल्टा भी क्या है कि हम डिफरेंशियल कर सकते हैं इसको। तो हमें याद रखना है एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या होता है? इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। नेक्स्ट है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी एक कंसेप्ट है, साइंटिफिक कंसेप्ट है, जो मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज है। किसी चीज़ को एंट्रोपी क्या होता है? मेजर करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज का। कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई मॉलिक्यूल्स हुआ, कोई एक सॉलिड है जिसके अंदर, ये लिक्विड है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होता है, तो ये मेजर करता है कि उस फ्लूड में, उस लिक्विड में, उस सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस कितना है, डिसऑर्डरनेस कितना है, उसे हम एंट्रोपी बोलते हैं। तो इट इज़ ए मेजरिंग प्रॉपर्टीज, ये मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टी है थर्मोडायनेमिक्स का, जो किसी भी सिस्टम में डिसऑर्डर और रैंडमनेस को मेजर करता है, इसे हम एस से डिनोट करते हैं। तो थैंक यू, हमें यही पढ़ना था यूनिट टू का 2.1 एंड 2.2। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे यूनिट टू का 2.3।